नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूँ। आप अभी शायद मास्क वाला दौर तो नहीं भूले होंगे, जब आप मास्क लगाकर घूमा करते थे, जहाँ पर भी जाना होता था पहले सबसे पहले आप सैनिटाइज़र और मास्क अपने साथ ज़रूर रख लेते थे। तो अगर आप वो वक्त भूल चुके हैं तो फिर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं जो कोरोना के छत्तीसगढ़ और पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं अब आपको अपना मास्क ज़रूर रखना पड़ेगा और सैनिटाइज़र उसका भी इस्तेमाल वापस से आपको शुरू करना पड़ेगा। दरअसल अभी अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़े हैं और पिछले 24 घंटों में 93 नए केस मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब छत्तीसगढ़ में बढ़कर 511 हो गई है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो है 24 मरीज राजनांदगांव में मिले हैं, रायगढ़ में 14 मरीज मिले हैं, दुर्ग और धमतरी में 11-11 एक्टिव मरीज हैं। महासमुंद भी अछूता नहीं है इससे, महासमुंद में 10 केस हैं, बिलासपुर में 8, कांकेर में 7, और कुल मिलाकर कहिएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे करके वापस कोरोना अपने पैर पसार रहा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सतर्कता बरतें, और सतर्कता बरतनी सरकार ने भी शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी जो जिला कलेक्टर हैं और एसपी हैं उनकी बैठक बुलाई और इस बारे में उन्होंने चर्चा की है। चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देख चुके हैं वो दौर जब इंसान को इंसान की मदद के लिए भी मोहताज देखा गया था, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है और जो भी सावधानियां हैं वो आपको बरतने की काफ़ी ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है। तो आप इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या कोरोना वापस से बहुत तेज़ी से फैलेगा या फिर ये महज यूं ही डराने धमकाने के लिए आया है और बस ऐसे ही अपना जो थोड़ा बहुत रूप दिखाकर वापस चला जाएगा इस बार? अपनी राय कमेंट करिएगा और सतर्कता क्या रखनी चाहिए इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।